what needs to be done. Kal maine skip kar diya and subah uthte hi I was kind of feeling guilty about it. So aaj I'll do double taki kal ka bhi hisab aaj main pura kar dun. And if you really really want to change something about yourself, then first thing is change your habits. To maine habit banayi thi ek mahine pehle ki main daily cardio karunga aur maine ek mahina उससे स्टिक करा एंड आई एम सीइंग ग्रेट चेंजेस इन माई बॉडी इन माई हेल्थ. और गाइज आज का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है क्योंकि ठंड तो है ही दिल्ली में, जैसा कि हम सबको पता ही है. और बहुत ही मीम्स भी बन रहे हैं दिल्ली के ऊपर कि दिल्ली के लोग बहुत बोल रहे हैं कि ठंड है, क्योंकि एक्चुअली में है ठंड भाई. और उसके साथ साथ बारिश भी हो गई है. तो ठंड, बारिश और हवा चल रही तेज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज वेरी लीथल. ये रोहित ने खरीदी थी जैकेट फ्रॉम जैक एंड जोन्स, विच हैपेंस टू बी माय फेवरेट ब्रांड. इतनी जल्दी इसकी जो आउटसाइड कवरिंग थी ये लेदर की, ये उखड़ने लग गई है. आप देख सकते हो, ये देखो, ये उखड़ने लग गई है. और दो दिन पहले आई वॉज वेयरिंग दिस जैकेट एंड आई वॉज शूटिंग सम रील फॉर माई इंस्टाग्राम, और मैंने देखा कि जैकेट यहाँ से फटी हुई है. और जैकेट छोड़ो भाई, मेरी फट गई गंदी. मुझे लगा रोहित मेरे को सुनाएगा गंदा वाला कि भाई इतनी महंगी जैकेट ख़राब कर दी. बट बाद में देखा कि और भी छोटे छोटे स्पॉट्स में ऐसा ही फट रही है. और मैंने तीन चार साल पहले एक ज़ारा की भी लेदर जैकेट खरीदी थी, वो भी एक डेढ़ साल बाद ऐसे ही थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी. तो मेरा लेदर जैकेट से ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उठ गया है भाई, क्योंकि मैं 5000 रुपये की जैकेट ले रहा हूँ. तो आई वुड एक्सपेक्ट ना कि भाई चार साल तो चले, मतलब चार साल इन द सेंस कि चार सीजन्स, क्योंकि सर्दी आती ही दो तीन महीने की है, उसी में पहनते हैं, उसमें भी दो तीन बार ही पहनेंगे. तो एटलीस्ट आई वुड वॉन्ट टू वेयर इट फॉर 15 to 20 टाइम्स एटलीस्ट भाई. और गाइज ये है मेरी सोसाइटी के फ्रेंडली कुत्ते. नहीं नहीं नहीं, एकदम से भाग के मत आया करो, डर लगता है यार. ये यहीं पे बड़े हुए हैं, यहीं पे कहीं पैदा हुए थे हमारी गलियों में, और अब इतने बड़े हो गए. इनके कलर कॉम्बिनेशन से मेरे को याद है, ये ब्लैक एंड वाइट, ये भी ब्लैक एंड वाइट, इसमें वाइट ज़्यादा है, उसमें ब्लैक ज़्यादा है. उतनी महंगी भाई, डरा था कि मैं छींक रहा मेरे ऊपर भाई. भाई कोविड तो नहीं हो जाएगा तेरे से, मेरे ऊपर छींका इसने अभी पैर पे. और ये आंटी आई हैं उनको कुछ खाना देने, और सारे वहाँ भाग गए. गुड जॉब आंटी, तू भी चले जा भाई, तेरे को भी मिलेगा. ये देखो आलसी साला, खाना मिल रहा है फ्री का फिर भी नहीं जा रहा. और गाइस काफ़ी लोग ये चीज़ पूछ ही रहे थे, तो मैंने कहा चल बता ही देते हैं. अभी तक फाइनल हो गया है, काइंड ऑफ फाइनल हो गया, कि सौरभ इज़ कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट मंथ, फेबररी 15th या 20th के आसपास. और अभी थोड़ी सी आशंकाएं हैं, क्योंकि अगर कोविड की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया जो आ रही थी वो बैन हो गई, तो फिर अलग केस है. बट अदर देन दैट नेक्स्ट मंथ इज़ कमिंग. वेरी एक्साइटेड, क्योंकि सौरभ और बसरा ही मेरे ऐसे दो फ्रेंड हैं जो जिम वगैरह और फिटनेस को लेके मेरे जितने ही पैशनेट है. तो जब वो आएगा तो ऑब्वियसली हम खतरनाक वाला वर्कआउट वगैरह करेंगे, एंड ऑब्वियसली आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विद यू. तो बहुत एक्साइटेड है. प्लस हम लोग फिर एक ट्रिप पे भी जाएंगे, और अभी जगह डिसाइड नहीं हुई है, बट अब अगली ट्रिप मेरी सौरभ एंड ऑल के साथ ही होगी. गाइज ऑनेस्टली आई लाइक स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है, मुझे पसंद है. बट ओनली बैड थिंग स्ट्रीट डॉग्स को लेके ये है कि ये लोग भाई पॉटी वगैरह कर देते हैं ना, तो वो थोड़ा मैसी सीन आता है, गंदा आता है, रोड पे गलियों में ऐसे कर देते हैं. तो वो बस एक ऐसी चीज़ है यार, मतलब उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है ना भाई. लेकिन बट वो अगर कुछ हो जाए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ ऐसा कुछ बंदा कुछ कर दे कि ये चीज़ सॉर्ट हो जाए, तो फिर ये बहुत भाई बढ़िया फ्रेंडली क्रिएचर्स हैं जो पार्क में घूम रहे हो, गलियों में घूम रहे हो, तो भाई सही सही लगते हैं. निक्की भाई के साथ भी अभी सेम सीन हुआ, ठीक है. हम दोनों चल रहे थे होम जिम की तरफ, बढ़ रहे थे, ठीक है. बट निक्की भाई स्टेप्ड ऑन सम शिट, ठीक है. प्रॉबेबली इन्हीं कुत्तों में से किसी का वो होगा, ठीक है. फिर निक्की भाई को मैंने घर भेजा, मैंने कहा भाई अभी अभी नए मैट लगाए हैं भाई जिम में, चेंज करके आ. और गाइस आज मेरे होम जिम में काफ़ी ज़्यादा लिट सीन हो रखा है, ठीक है. ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कमर्शियल जिम में आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन बॉयज़ हैं आज, ठीक है. सार्थक है, निक्की भाई तो हमेशा ही होते हैं, और रोहित भी आया आज वर्कआउट करने. मैं और सार्थक डेडलिफ्ट मार रहे हैं, रोहित अपने बाइसेप्स कर रहा है, निक्की का मुझे नहीं पता क्या कर रहा है. निक्की कौन सी एक्सरसाइज है, आई डोंट नो, कर रहा है तो पता तो होना चाहिए. कौन से बॉडी पार्ट के तू कर रहा था? नाभी? नहीं. सार्थक का सेट खराब करा दे निक्की तूने. किसका? शोल्डर की? हाँ. करके दिखाइए एक बार फॉर्म. फॉर्म से जो लोग हैं उनको पता लग जाएगा ना कैसी फॉर्म होनी चाहिए. चल चल चल, दो मिनट भाई, टाइम नहीं फालतू, जल्दी कर. वेट, दो मिनट. इसमें पंप तो तेरी नाभि हो रही है.
सही में नाभि पंप हो रही थी, दिख रही थी भाई। ले रहे हो आप मेरे वीडियो पे यार, मेरा टाइम नहीं है, मैं आपकी लूंगा मेरे सेट का। सही है उन्होंने सार्थक बहुत ही खतरनाक बाइसेप्स के वो करने वाले एक्सरसाइज, सबको पता ही होगा 21, ठीक है। और द रीजन बीइंग हमारे पास ज़्यादा केबल वगैरह नहीं है तो हम बाइसेप्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे 21 करूँगा, इसको दूंगा, ये 21 करेगा और दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। और 5-5 किलो वेट है और बड़ी वाली बार है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ, बहुत फाड़ एक्सरसाइज है भाई ये। चल बढ़िया, दो लेट्स गो। लेकिन तू भी करेगा, उसके बाद इसको दे दियो। कितने करनी है? 7, 7, 7 बता दूँ उसको, देखो कैसे कर रहा है। पहले लोअर हाफ में 7, फिर अपर हाफ में 7, ठीक है, फिर पूरा 7, ठीक है। कैसे पे लोअर हाफ में मतलब? यहाँ से यहाँ तक आना है पहले से 7, फिर यहाँ से यहाँ तक आना है 7, फिर पूरा 7, ठीक है। चल 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 लेट्स गो, कम ऑन। चल बढ़िया, चल शाबाश निक्की, कम ऑन। 3, 4, 5, 6 अरे बहुत बढ़िया। चल अब अपर आप, अपर आप ऊपर ला। सेकंड अरे भेज क्या कर रहा है, अंदर अंदर। हां ऊपर ला, अब लोअर आप, यहां तक पेट तक लाना, सिर्फ हाथ रख लो ना हाथ। चल चल 1, 2 चल कम ऑन निक्की, हार नहीं मानेंगे। बता दे क्या किया, बता दे क्या किया तू। 3, 4, 5, 6 वन मोर भाई, मुझे डर लग रहा है, थूक फेंक दे, थूक फेंक दे बस। अब तो पास आता है, अरे पूरा 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 फुल फुल फुल। चल चल चल, फुल डर नहीं तो करना, जल्दी पकड़। चल चल वो हेल्प करा रहे, चल पूरा पूरा। 1, 2 भाई मेरा ही सेट हो गया, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बहुत भारी है ना, ठीक है। मजा तो आया लेकिन, बेबी वांट टू सी शी कैन सिप, बेबी सेस लिट इज लिट, bank account in a cube, she said it loud, it's the truth, baby. सार्थक मजा आया, और निक्की भाई है, मजा ना आया, निक्की है तो मजा, निक्की मतलब वर्कआउट करने काम आता है, थोड़ा मूड बनाने आता है यहाँ पे, ठीक है। बंदी ब्रो, मूड बनाओ, कैसी बात है बंदी, तो हमारी तो बंदी है ब्रो, क्योंकि सार्थक वेट वगैरह सही मारता है तो हमारा मतलब सीन बैठ सकता है। बसरा को मिस करेंगे, बसरा चला गया और त्यागी और मेरा ना मैच नहीं होता, त्यागी अपने घर में अब जिम कर रहा है तो वो बन नहीं पा रहा सीन, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक वर्कआउट पार्टनर वैसे भी चाहिए था, तो सार्थक को अपने जिम में लाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि सार्थक अभी जिस जिम में जा रहे हैं वो मेरे जिम के 20 मीटर दूर ही है, ठीक है, आसपास है जिम, लेकिन हाँ लेकिन किसी रीजन की वजह से सार्थक मेरा जिम ज्वाइन, एक लड़की ट्रेनर ने बोले थे कसम खा ले कि तू नहीं जाएगा छोड़ दे। मैं ट्राई कर रहा था ना बताऊं, बट निकल बता दिया, ठीक है, सार्थक अपना जिम छोड़ नहीं रहा, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, बट मैं ट्राई करूंगा कि आ जाए, फिर ट्राई होगा, ठीक है, अगले मंथ से मैं सौरभ और सार्थक वर्कआउट करेंगे, मजा आएगा। निकी तू भी आएगा जब सौरभ आएगा, ऐसे ना कमिटमेंट मत करा करो वैसे YouTube पे, हां कभी अगर ना हो तो, बट विल ट्राई, हां विल ट्राई। सौरभ तो आ ही रहा है, मतलब मेरा सौरभ तो, तू भी आएगा वर्कआउट करने, आएगा पक्का? हां आ लूंगा। तू सौरभ से मिला है पहले कभी? हां कब? जिम में मिला हूं। तू तो नहीं आता था जिम तब? जिम बेसमेंट वाले जिम में। अच्छा हां हां, तब वो वाले जिम जो गांव में। समझ समझ गया। सौरभ भी बहुत एक्साइटेड है, कह रहा था भाई जब यूएस इंडिया उतरूंगा ना तो एयरपोर्ट पे लेने आना तेरे को, उसे कहने की आना चाहिए। पक्का कह रहे हैं? हाँ, बोला चल लूंगा, चलेगा ना। हाँ कब कब आ रहे हैं? 15 फेब 15 फेब 14 को तो डेट होगी तेरी। शिट फक,
फक यार, अच्छा 14 को रात को सीन होगा ना, फिर वहीं स्लीप ओवर होगा इसका। चल कोई नहीं, देखते हैं जो भी सीन बनता है। गाइस नथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुडे, चावल है और इसके नीचे क्या है लेट मी सी, दाल है इसमें, वो पनीर है आज, नाइस, आज का दिन सॉर्टेड है गाइस, पनीर बना है घर पे। और इसमें क्या है, इसमें बैंगन है जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमें पनीर से मतलब है। 3 days 3 vlogs, दैट्स नॉट व्हाट मोहित बेस्ट इज नोन फॉर, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू अ हैबिट टू रिकॉर्ड मोर एंड मोर, जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं दोस्तों के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ या कुछ भी, आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड मोर, फिर जब मैं एडिट करने बैठूंगा एंड इफ आई कैन मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट एंड इफ आई थिंक दैट इट इज़ अ गुड व्लॉग देन ओनली आई विल अपलोड। और जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू want to achieve something, चाहे छोटा हो या बड़ा हो जो भी है, then it all comes down to your daily habits. तो मैं अपनी एक daily habit ये भी build कर रहा हूँ and maybe इसकी वजह से I'll be able to make more meaningful content. और मुझे थोड़े time पहले भी ऐसा लग रहा था कि I'm not like sharing enough of my own personal experience on my videos, तो इस चीज़ पे भी मैं work कर रहा हूँ। बाकी आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, और मिलेंगे अगली वीडियो में। और यू कैन सी जो मैंने टी शर्ट पहनी थी, इट्स प्रीटी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत अच्छी टी शर्ट है एंड मे बी दिस इज़ आर नेक्स्ट लॉन्च, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, दिस इज़ मोहित बेस्ट।